हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रेहान के लिए मीठा पराठा, मतलब चीनी वाला पराठा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ क्यों रेडी और आज जुमा, आप सबको मैं तरफ से जुमा मुबारक। तो फ्रेंड्स निकलते हैं नमाज के लिए क्योंकि नमाज का वक्त हो गया है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सफर के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। मैं आ गया हूँ नमाज पढ़ के और सफर मेरे लिए जा रही नाश्ता। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुमा मुबारक। तो मेरी बेटा जी दे रहा हूँ। और आज अम्मी ने स्पेशल बनाई है कड़ी। भाई लिया आज भाई, तुमने कहा कल कड़ी बना। हाँ, दो। और मैंने सनी के लिए कहा था, मतलब हाँ। मुझे तो पसंद है ही, हाँ, लेकिन हाँ। सनी को बहुत पसंद है। कभी कभी कुछ बोलती भूल जाती हूँ, कभी हाँ। नहीं बना पाती, मुझे आज याद था। फ्रेंड्स कड़ी जो होती है वो हम सबको ही पसंद होती है और सनी को कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो भूल गया कड़ी बनी होनी चाहिए। तो अभी के ये अपडेट है कि रिजा भी 12 पढ़ रही है, पापा अंदर मैच देख रहे हैं। ये अभी आधा ठीक और आधा बीमार बैठा हुआ है, कैसा फील हो रहा है? पहले से ठीक हो थोड़ा, दो दो इंजेक्शन लग चुके हैं तो अब तो ठीक होना ही पड़ेगा। सनी यहाँ पे खा रहे हैं हर चीज में घी डाल के, उनको पसंद है घी। आपने खाया अम्मी खाना? नहीं। तुमने? और जो मीठे पराठा? हाँ वो तो एक खाया। हाँ, दो दो खाया, ठीक बने थे, बहुत टेस्टी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं बना पाती, मैं अभी कुछ कुछ चीजें बना लेती हूँ और जो भी बनाती हूँ वो दिल से बनाती हूँ तो ठीक ठाक बन जाती है। तुमने सब करेंगे तो भर दीजिए क्या, शक्कर से पूरी में डाल दे, जगह रख दोगी ऐसे पूरा पैक करके बेलोगी तो क्या होगा, एक ही जगह तो रहेगी शक्कर। जैसे पराठा बढ़ेगा वैसे शक्कर बढ़ती है। जब आता नहीं ना तो दाल और आलू की सब्जी बना लेता है, सोचता है कि मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ। भाई बना कर कम से कम पेट तो भर लेगा इंसान। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अम्मी ने रेडीमेड वाला सूट पहना है जो से आपसे लिया था। चलो आप ही मैच देखने बैठ गए, ये मैच क्यों नहीं खत्म होते? कब ये मैच क्यों नहीं खत्म हो रहा है? ये 45 दिन का है, अभी शुरुआत हुई है। बहुत बोरिंग लगते हैं। नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। रेडी हो जाओ फिर, जो जो है अभी आज सब चल के ले लो। ऊपर आ गई हूँ, अभी हमें जाना है बाहर, तैयारियाँ स्टार्ट कर रही है। आपको पता है कि एनिवर्सरी आने वाली है, लेकिन साथ साथ जो काम है वो भी करते जाना है। इंस्टाग्राम का काम है, फोटो शूट करना है, जल्दी से मेकअप कर रही हूँ क्योंकि फोटोज और भी अच्छे हैं, चेहरा ग्लो करता है ना तो कपड़े और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन और इसका शेड है न्यू ग्लो। मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन 2 गुना ज्यादा इंस्टेंट ग्लो देता है, 12 आवर्स तक स्टे करता है, लाइट वेट सीरम फॉर्मूला है इसलिए स्किन पे अच्छे से मर्ज हो जाता है हमारे स्किन टोन के हिसाब से, और ये मेड सेफ सर्टिफाइड भी है। और ये ग्लो सीरम फाउंडेशन में 9 डिफरेंट शेड्स आते हैं जो हमारी इंडियन स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करते हैं। फाउंडेशन हो चुका है, अब इसे सेट करने के लिए और भी ज्यादा ग्लो के लिए मैं लगाऊंगी मामा अर्थ का ग्लो फुल कवरेज कॉम्पैक्ट, इसका शेड है पर्ल ग्लो। ये कॉम्पैक्ट हमें 3 गुना ज्यादा ग्लो देगा और ये 16 घंटे तक स्टे करता है और ऑयल कंट्रोल करता है। और ये कॉम्पैक्ट में भी 5 डिफरेंट शेड्स आते हैं अलग अलग इंडियन स्किन टोन के हिसाब से। हो चुकी हूँ रेडी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मेकअप लुक और मेरा पूरा ओवरऑल लुक अच्छा लग रहा होगा। और फ्रेंड्स ये फाउंडेशन जो है और ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये स्किन के लिए एकदम सेफ है, एवरीडे यूज के लिए भी परफेक्ट है। आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, कहीं भी आपको जाना है तो आप ये दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट के साथ साथ उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपका ऑर्डर वो एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। 2025 तक मामा अर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहे हैं। और अब मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो अमेजन फ्लिपकार्ट नायका मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट उनकी ऐप से परचेज कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर लेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि सबा 2023, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। और मैंने ना नो मेकअप लुक करना चाहा था इसलिए मैंने ज्यादा आंखों में भी कुछ नहीं लगाया और लिपस्टिक लगा के पोंछ लिया ताकि एकदम नेचुरल लगे। चलिए अब आप मेरा फुल लुक देख लीजिए, मैंने पहना है गरारा जिसे कुछ लोग शरारा भी कहते हैं, गरारा कहते हैं, आप लोग डिफरेंस बताओ उसमें क्या फर्क है, गरारा और शरारा सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत। इतनी ऊंची चप्पल पहनी थी, हालत खराब हो गई। फ्रेंड्स ये भाभी की, उन्होंने कभी हटाई थी, मैंने रख ली थी। रेडी हो गए? हाँ। तो देख क्यों नहीं रहे? नहीं होने रेडी? हाँ।
नहीं हुई ना रेडी? हो गई बस, बाल गीले हो रही है बस। तो आज हम मार्केट जा रहे हैं फ्रेंड्स तैयारी करने के लिए अम्मी की और रिजा की। स्पेशली हमको जो उनका मेन इवेंट के दिन उनको जो ड्रेस पहननी है एनिवर्सरी के दिन, उसको कपड़ा लेके जमील भाई के पास सिलने के लिए डालना है, क्योंकि 10 डेज बचे हुए हैं। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है और रेहान तो बीमार है, तो उसका तो आज हो ही नहीं पाएगा, उसको भी आज जाना था लेकिन कभी। और अब आया मैं रील शूट करने, जब तक ये लोग नीचे आएंगे तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि शायद कुछ बन जाए। तो बैठ चुके हैं हम लोग कार में, जल्दी जल्दी में हमने 5-10 मिनट्स में अपनी रील बना लिए, मतलब उसके शॉर्ट्स ले लिए, एडिटिंग मैं बाद में कर लूंगी। अम्मी है यहाँ पे, पीछे ये रिजा, यहाँ पे सनी। आज हम यहाँ अपना झोला लेके आए हैं, क्या क्या लाया उसमें खाने को, क्या है खाने, दिखाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी लेके आए हैं, भूख लग रही थी, हम एकदम सही चीज लेके आए हैं। फ्रेंड्स अभी भी हमारे ये कश्मीर वाले अखरोट चल रहे हैं। हम आ गए इस वक्त तिरुमाला शॉपिंग सेंटर में, यहाँ पे बहुत सारी फैब्रिक की अलग अलग वैरायटी है, गाउन के हिसाब से यहाँ पे और भी ज्यादा आपको कपड़े मिल जाते हैं। तो फिर रिजा और सारा ने अपने रेफरेंस निकाले हैं, मेरा काम है सिर्फ एग्जैक्ट वो बनवाना। रिजा का तो फाइनल डिसाइडेड था, हाथे साथ चूज हो गया, अब सारा का ले लेते हैं। चलो रिजा और सारा का जो है वो कपड़ा हमें मिल गया। फैब्रिक के बाद हम दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे सूट के पीसेस मिलते हैं तो ये भी हम देख लेते हैं। था। अब यहाँ से क्या दुपट्टा लेना है? तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे सारे काम हो चुके हैं। कैसी तबीयत? ठीक है। थोड़ा तो है, थोड़ा। फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बाहर खाना नहीं खाया है, तो हम लोग घर पे आके खा रहे हैं कढ़ी चावल। तो डिनर करके आ चुकी हूँ ऊपर। फ्रेंड्स इंस्टाग्राम की बहुत सारी अनबॉक्सिंग जो है वो पेंडिंग है, तो वो भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी ये, बाकी अभी ये वाले भी अनबॉक्स करना है, और इसी के साथ हमारी सूट्स की अनबॉक्सिंग जो है वो खत्म होती है। ये नीचे अभी और भी पार्सल्स आए थे, रिजा लेके आई है। अम्मी आपको ये दुपट्टा इसमें बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, मेरी आंखों में चुभ रहा है। इसमें ना ऑफ व्हाइट दुपट्टा होना चाहिए था, तो आपने इसका दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा? इसका दुपट्टा इसी कलर का नेट का आया था। अच्छा, नेट की वजह से नहीं हो रहा। हाँ, तो ये अनबॉक्स करने के लिए रिजा को बहुत ज्यादा जल्दी ये थी, बहुत मुझे अजीब लग रही है इसलिए। ये अच्छी है रिजा, पर अभी देख देख के वो हो गया है। जो आई है ना ये अच्छी तो बहुत है, बट ये हमारे घर के लुक के हिसाब से नहीं जाएगी। जब से मैं हैदराबाद से वो सब देख के आई हूँ ना, राजा महाराजा की हवेली और वो आलिया का शोरूम, तो मुझे ना सब ऐसा लग रहा है कि थीम चेंज कर देनी चाहिए घर की। अब लकड़ी का जो पहले के जमाने में फर्नीचर चलता था वैसा। खैर फ्रेंड्स ये ऐसा होता है कि अपनी चीज इंसान को थोड़े दिन बाद कम अच्छी लगती है। किसी के लिए ये जो घर है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, सबको लगता हो कि हम ऐसा कर ले, और इंसान थोड़े दिन बाद रह के फिर सोचता है हम ऐसा कर ले, तो किसी को भी कहीं सुकून नहीं है, इसलिए जैसा है वैसे चलने देना चाहिए। उसी में काम चला, जब खराब होता है तो खुद में खुद दिखने लगता है फिर बंद। तो अभी बस ये है कि जैसे हमारे ऊपर की पूरी लाइट्स खराब हो गई है, ये जरूर है कि कभी कुछ दिनों बाद सिर्फ कलर चेंज कराऊंगी। एक और पढ़नी है अभी, नमाज पढ़ो बैठ के, कितनी अच्छी लग रही है। इसके ऊपर जनावर बिछाओ, हाँ, इसमें नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो ये कारपेट आया हमें iacarpets.in की तरफ से, थैंक यू सो मच। इनकी शॉप जो है फ्रेंड्स वो है उदयपुर राजस्थान में गुलाब बाग रोड में, थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर से हमें ये भेजा। और आज का ये लास्ट पार्सल ये रेजिन बाय हफशा की तरफ से फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए आपको भेजा है। थैंक यू सो मच रेजिन बाय हफशा, आपने बड़ी यूनिक चीज निकाली है, निकाह में भी फ्रेंड्स इसे यूज कर सकते हैं, दोनों अपने अपने थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं कि हमने मतलब निकाह किया, और यहाँ पे दोनों का इस तरीके का है। और अब यहाँ पे बैठ के पियेंगे हम ग्रीन टी। The next day. आज फुल ऑन हमारे घर में सफाई, कपड़ों की तरतीब और बैग खाली करना, क्योंकि मौदा भी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सर की नमाज पढ़ने के बाद मैं निकला था बाजार, क्योंकि मुझे लेना था अमरूद। और हाँ एक चीज मुझे अच्छी लिखी कि जो पानी भी निकली मटका आता है ना, तो वो मैंने मटका लिया, क्योंकि अभी फ्रिज का पानी पीने से क्या हो रहा है तबियत खराब हो रही है ठंडा पानी पीने से। ये लो अमरूद, ये तुम्हारा सामान खोलो, इसमें क्या है? हाँ ये मटका लाया हूँ पानी पीने के लिए, बजा के देखो बढ़िया है ना। हाँ नहीं नहीं गुंडा तो बजाता, जो बजेगा उसमें पानी अच्छा ठंडा आएगा ज्यादा। अमरीश पुरी, ठीक है, अजय देवगन की फिल्म थी साका बना जिसमें वो, अच्छा है ना ये, इसमें क्या है ना अभी सर्दी पड़ना है अभी आके, तो पानी इसमें सही रहेगा। अमरूद अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी 6:30 जो जो काम से जाना है वो आपको दिखाते जाएंगे। चलो ये लेके चलो, इलेक्ट्रीशियन भैया बन गए तो नहीं, इलेक्ट्रिक के भी काम चल रहे हैं तो हम कुछ काम से गए थे, बट हमें निकलना है तो सामान उनको रखते हैं नीचे ताकि अपना सामान लेकर चले जाएं, कल आके फिर वो बाकी चीजें करेंगे। कल आ जाएगा भैया, हाँ नीचे।
रिजम निकल रहे हैं। फिर बताओ यहाँ पे टाइम देख रहे हो तुम लोग? बाल सही है, जब जब नहीं स्ट्रेट करना होता तब स्ट्रेट करते हैं। जब चलो आ जाओ जल्दी यार, अभी हम लोग निकल चुके हैं, देखते हैं आज हमारे कितने काम हो सकते हैं। कपड़ों का ऑलमोस्ट काम हो चुका है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सिलने डालना है कुछ कुछ लोगों के लेने, लेकिन हमें डेकोरेशन की चीजें लेनी है। फाइनली 2 घंटे के ट्रैफिक के बाद हम लोग पहुंच गए हैं इंफिनिटी मॉल। यहाँ से क्या क्या लेना है? यहाँ से ही लेते वापस आ गए। यहाँ तुम्हें कौन से हेयर बैंड दिख गए? अभी फिलहाल हम लोग हैं वेस्ट साइड में, इसके बाद कहाँ जाना है? पहले यहाँ तो चलते। क्या लेना है यहाँ से जल्दी बताओ? रिजा यहाँ लेके आई हो तो क्या लेने आई हो तो बताओ? सालू अप्पी का रिजा लेके आई। रिजा कही सालू अप्पी लेके आई, लेके कौन आया यहाँ पे? यहाँ पर कौन भाई? ये नहीं लेना है। ये क्वेश्चन कवर है। फाइनली वेस्ट साइड के बाद अब DIY है ना, DIY मिस्टर DIY। फ्रेंड्स आ गए हम लोग मिस्टर DIY रिजा की रिक्वेस्ट पे, अब देखते हैं हमें जो चाहिए वो यहाँ मिलता है कि नहीं। घर और किचन के सामान मिल रहे हैं, सब कुछ है इधर। फालतू चीजें कोई उठाएगा नहीं आज यहाँ से, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों को जो जरूरत है बस वही लोगी। ठीक है रिजा, फालतू की चीजें कोई भी नहीं उठाएगा। देखिए बड़ा चाहिए। देखिए सर यहाँ पे डेकोरेशन की भी चीज है, ये तो पता चल गया कि फ्लावर तो यहाँ से मिल जाएंगे। हमें इसे बोर्ड सजाना है ना, ये भी थोड़ा। तो जिस मकसद के लिए तुम लोग यहाँ पे आई थी मिल गई वो चीज, ये ले लो यार। हम वो रखने के लिए कुछ बर्तन रखने के लिए होता है ना। हाँ बॉटल से धो कुछ ध्यान मत कर लेना। तो काफी अच्छा सेल्फी। हाँ ट्रेन में पीने के लिए। हाँ ले लो ले लो ले लो। चाय लेके जाते हैं ना? चाय लेके नहीं जाएंगे। चाय लेके हम लोग, आपको नहीं पता नाजा खाला तो सब कुछ लेके आती है। नाजा खाला तुम्हारी आएगी 2 बजे रात में वहाँ से। बस चले ना तो वो खाना भी वही पका ले अगर स्टोव मिल जाए। वॉलपेपर है? हाँ वॉलपेपर किचन में लगाने के लिए, कहीं भी लगाने। तो मॉल से हमारे जो जो काम थे उन्होंने सारे निपटा दिए। अभी हमें लेना है यहाँ से टेबल और चलते हैं देखते हैं। नीचे का चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे मिल जाए, चलते हैं ऊपर देखते हैं। नहीं चेयर भी लेना है। आप बताइए ज्यादा क्वालिटी वाइज कौन सी अच्छी है? कंफर्टेबल नहीं है। मैं तो कहूँगी ये वाली ले लो। नहीं 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 भूलने वाली है सनी दिला तो। यहाँ से हमारे कंप्यूटर के लिए टेबल और चेयर डिसाइड हो गया है। सब लोग आ चुके हैं घर, आज के दिन भी फिर से एंड हो रहा है। थोड़ा सा ही व्लॉग बनाया, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। The next day. यहाँ पे हम आए हैं न्यू रूम के लिए वॉलपेपर देखने के लिए। वो बच्ची को लेके आए हैं और उसकी आंख बंद करें क्योंकि उनको सरप्राइज, सबसे बड़ा सरप्राइज सबा है उसके लिए। आ जाइए भाई। यहाँ बैठ जाइए। सोन पापड़ी मेरे लिए तो आ गई है, भाई लेके आए मेरे लिए। थैंक यू अनम। अच्छा लग रहा है अनम को बर्थडे, देखो उसने आपको सोन पापड़ी लेके आई। अरे थैंक यू। आप लोग ऐसे मिले बहुत है हमारे लिए। ये मम्मी और आंटी के लिए जो है ना, थोड़े से कड़वे लेकिन बहुत अच्छा। ये तो मंगवा दिए लेके आए। ये नहीं ये तो सब है। पापा देखो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी मम्मी आपको भाई सब लोग। यू आर वेरी, ये मेरा फेवरेट है तो ये मैं तुमको दे रही हूँ। और ये भी, ये जो जो चीजें मेरे पास कुछ कुछ थी। अच्छा है वो बहुत इसका फेवरेट है सबा का। कभी भी मिल, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते हम आपको डिस्टर्ब। अरे नहीं नहीं कभी भी मिल सकते हैं भाई किसी को। पापा को भी बुलाओ, पापा इतनी मेहनत करके आए। पहले सबा बीमार हुई, फिर रेहान, फिर मैं और आज अम्मी। तो अम्मी बीमार है इसलिए आज सबा ठीक है, तो घर के लिए खाना वाना सबके लिए बना रही है। क्या बन रहा है आज? हमेशा का रेस्क्यू। रेस्क्यू दाल चावल होता है, दाल चावल होता है। पीछे लौकी मिल गई है। कौन सी वाली बना रही? खा लेंगे और आप भी खाएंगे क्या? मैंने विदाउट कैमरा बोल दिया था, ये रीटेक करवा रहे हैं। क्या बोला था? खाना खा लीजिए। अरे वाह, भूख तो ऐसे खत्म हो गई मेरी। फाइनली हमारा खाना आ गया, बन के रेडी हो गया। भूख बहुत तेज लगी है, फीवर जैसा अभी भी लग रहा है और मैच भी साथ साथ चल रहा है। इंडिया की हालत अच्छे नहीं है अभी, एक आध विकेट जाए फिर मजा आएगा मैच में। फिर तो सामने की मार के बैठ गई इसके सामने। खाना तो मैं तू ऐसे बैठ जा, मैं खाना भी खाऊंगा मैच भी देखूंगा ना। क्यों बंद कर दूं? मैच देखना है तो।
नहीं इधर रख सर, तुमको वहीं क्यों बैठना है भाई? इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे मैच देखने से, इसलिए ड्रामा कर रही है। हट जा एक तरफ, हट जा, नहीं मारूंगा, हट जा। फोन बंद करो। नहीं क्यों, फोन के बाद तू मुझे मारेगी क्या? तो प्लीज हट जा। अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए। दाल देख के बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये रहा हमारा खाना फ्रेंड। चलिए ईशा का टाइम हो गया, चलता हूँ नमाज पढ़ने, और सब अभी नमाज पढ़ रही है। फ्रेंड्स इस वक्त हमारे घर की हालत कुछ बहुत ही अजीब सी हो रही है। ये खाना हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सनी खा रहे हैं बिरयानी। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे वॉल पेपर चेंज हो रहा है। क्यों चेंज करा है फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। दी नेक्स्ट डे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आज सबको टाइम मिल गया है शॉपिंग पे जाने के लिए। तो आधे अधूरी शॉपिंग आप पहले देख चुके थे, रिजा और सारा की। अभी कुछ कुछ लोगों की बची है, तो अम्मी जा रही है आज, भाभी जा रही है, आंटी जा रही है, सनी जा रहे हैं, मैं जा रहे हैं बच्चे घर पे। तो चलिए चलते हैं। कैसे आंटी? ठीक हूँ जी, मैं भी ठीक हूँ। रेडी? चलो जल्दी। ये क्या लेके जा रही हूँ? तुम खाती हो जो? इतने दिन पुरानी, एक हफ्ते पुरानी पार्टी खा रही हूँ, क्योंकि लंच नहीं किया है फ्रेंड्स, बहुत ही भूख लग रही है। खराब तो नहीं होती ना? ये खराब भी नहीं होती, नहीं होती। आप भी खा लो। आटे की होती है? आटे की होती है। रोटी कभी खराब नहीं होती? बादाम में मीठी रोटी नहीं बनाते थे? एक महीने पुरानी रोटी की। कैसी कैसी कैसी? मीठी रोटी, एक महीने की पुरानी रोटी जो सूख जाती है, फिर गुड़ डाल के उसको पूरा बनाते हैं मीठी रोटी। चलो अम्मी, बहुत लेट कर दिया भाई तुम लोगों ने। चलो बाय, लव इट, मिस यू गाइस। चलो रोहन घूमी करने, हैप्पी हैप्पी। पापा काम पे गए? हाँ, काम पे गए। तो इस गाड़ी में जा रहे हैं मैं, सबा और अम्मी, उसमें जाएंगी भाभी और भाभी की अम्मी। चलो हम लोग निकल गए हैं घर से, अब चलते हैं लोकन वाला, वहाँ मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड हम लोग पहुँच गए हैं भगवान कलेक्शन। भगवान कलेक्शन के साइड में ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पे मैं कुछ ऑर्डर देने के लिए आई थी। अम्मी आपको कोई कान के तो नहीं चाहिए? अम्मी को सिर्फ सूट्स पसंद आते हैं। हमने ज्वेलरी का साइड में ऑर्डर दे दिया, कैसा बन के आ रहा है वो आपको दिखाती हूँ। अभी आ गए भगवान कलेक्शन, चलते हैं, तक हम लोग देखते हैं, फिर भाभी और आंटी आ जाएंगे। ये भी तो अच्छा है। और कौन सा कलर देगा? अभी यहाँ पे सब पूछ रहे बेटी कलर से रानी या काला। अच्छा ये इसका है, ये इसका। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने कॉल्स करते लोग साड़ी के लिए भी। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक है। आपके सब ब्लॉग्स देखते हैं, और सनी को भी मैंने देखा तो पीछे में पलटती ही नहीं थी। आपके लिए कितना अच्छा मैच है, कितना सपोर्ट कर रही थी आपको। हमेशा अच्छा रखे, आप लोगों को खुश रखे। गरम लगा के हाथ में फोन दो तो ये। अरे वाह, इंटरव्यूइंग स्किल्स जो है ना वो बेटर कर रहे हैं। पूरा प्रॉपर इंटरव्यू ले रहे हैं भैया। अच्छी हुई इनकी पहले से। आप भी ऐसे नर्वस होके सीरियस बिल्कुल उनको आंसर दे रहे थे। देना पड़ेगा भाई, कोई इंटरव्यू ले देना तो पड़ेगा ना। नहर का भी ब्लैक, उसका ही ब्लैक। देख कितनी और शॉपिंग बाकी, ये बताओ पहले। अम्मी ने भी नहीं लिया है, कोई भी ले लो पहले, कोई भी ले लो, कोई भी पहले ले लो। चाय पियो, दिमाग चलेगा। उनको जो पसंद आ रहा है वो बिक चुका हो गया, ले लिया। ये वाला मम्मी का है, ये बहुत अच्छा दुपट्टा। फाइनली बस सबका होने वाला है। हो आओ तो इधर, आपके लिए तो ले ले। क्या ले लें आपके लिए? शेरवानी। अच्छा पापा के लिए? चलो बेचारा रोहन के लिए आधा मीटर। मैं जब पहली बार लेने आई थी तो आई थिंक लाइफ में पहली बार होगा कि मैं आपसे आधा मीटर कपड़ा लेके गई। मैंने पसंद तो कर लिया, और फिर अप्पा जी मुझे देख रहे हैं, मैं कितना लेके जाऊं कहती हूं उसको, रोहन को देख के बोलते क्या आधा मीटर में बन जाएगा मैम। हाय साइड हट जाओ, आंटी चूज करेंगे। आजा इधर, आजा इधर, आजा। तुम्हारा दिमाग सही में काम कर गया, वरना वो गुस्सा हो जाता रिहान। सबके लिए कुर्ता उसके लिए नहीं आया। अम्मी ने बोला। अब किसका बाकी रह गया? हमारी शॉपिंग हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। जो शादी वाली शॉपिंग है सबके लिए करनी थी, तो वो मेमोरी ताजी करनी थी, इसीलिए हमने कहा सब साथ में चलते हैं, क्योंकि अभी भाभी भी रोहन की वजह से बिजी रहती है। तो लेकिन वो आई, थैंक यू सो मच। नहीं लेकिन मतलब बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, लेकिन हमारा रोहन तो बहुत समझदार है, उसने आराम से हमें शॉपिंग करने दी है।
आंटी भी आई थी, मजा आया सबसे। चलो तो बस इसके आगे का जो भी होता है इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम दिखाते हैं घर जाके किसने क्या लिया है। व्लॉग काफी लंबा हो गया इसलिए यहीं से एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।